फूडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास गिल और आप देख रहे हैं अब्बास फूड फैक्ट्री। आज जनाब मैं आपको सिखाऊंगा कि दूध में से हम ज्यादा मलाई और मोटी मलाई कैसे ले सकते हैं, और आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो जनाब आपको मिलेगी जबरदस्त किस्म की मोटी मलाई। और अगर आपके बच्चे मलाई नहीं खाना पसंद करते तो आप जनाब इसका मक्खन बना सकते हैं, इसका देसी घी बना सकते हैं, और उससे जनाब आप क्रीम भी बना सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, तो आज बस आपको सिखाऊंगा कि हम लोग दूध में से मोटी और बड़ी तगड़ी मलाई कैसे लेंगे। तो चलो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और यहाँ पे लिया जी मैंने 3 किलो दूध। ये दूध मैं एक तबेले से लेके आता हूँ जहाँ पे रूटीन का मेरा लगा हुआ दूध, और मैं वापसी पे वहां से लेके आता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप भी जिस दूध लेते हैं फुल क्रीम दूध, तो आपने जनाब वो दूध लेके सबसे पहले उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्टेन करना। सबसे पहले आप उसको स्टेन करेंगे, क्योंकि दूध में क्या होता है कि दूध में छोटे मोटे कोई घास का या किसी जो उनको चारा खाती है वो कुछ छोटे मोटे तिनके, इसलिए इसको स्टेन करना बहुत जरूरी है। तो नहीं जनाब, हम लोग स्टेन करने से पहले, उससे भी पहले एक स्टेप है, ये मेरे पास है जी 1 कप पानी। याद रखिएगा आपने जनाब सबसे पहले पानी डालना है, उससे पानी डालने से ये होगा कि आपका दूध नीचे बैठेगा नहीं, लगेगा नहीं आपका दूध। तो ले जनाब ये स्टेनर रखा हमने, इस दूध को जनाब सबसे पहले स्टेन करेंगे। तो ले जनाब मैंने अपना फ्लेम ऑन कर लिया हुआ है, तो शुरू में मैं अपनी आंच को तेज रखूंगा। जैसे दूध बॉयलना शुरू हो जाएगा मैं आंच को थोड़ा कम कर दूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितनी आंच रखनी चाहिए इस पे। तो ले जी अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप इस तरह की चीजें जनाब बच्चों को दिया करें, मुख्तलिफ तरीकों से जनाब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके बच्चे मलाई नहीं खाते, लेकिन ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं मलाई खाना रोटी के साथ, वैसे चावल पे डाल के खाते हैं, अगर वो नहीं खाते तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने बच्चों को मलाई किस तरीके से खिला सकते हैं। तो लें जी अभी इंतजार करते हैं इसके बॉयल होने का। और जब मेरे बहन भाई आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे इस तरह का एक लाइक का बटन होता है, वो जरूर प्रेस किया करें, और साइड पे जनाब एक छोटा सा लिखा होता है सब्सक्राइब रेड कलर में, आप उसको प्रेस कर दिया करें, वो बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो लाइक करने से जनाब हमें खुशी मिलती है, हौसला मिलता है, इतनी गर्मी में जनाब जब हम लोग रेसिपी करते हैं अपने किचन में तो हशर हो जाता है, तो आपके लाइक से जनाब हमारी थकावट पसीना सब कुछ हमें खत्म हो जाता है, और हमें खुशी मिलती है कि हमारे चाहने वाले हमारी फैमिली हैं आप। तो जनाब आप वीडियो को देखा और आपने लाइक किया तो मेरे लिए इतना ही काफी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दूध रख लेते हैं, मेरी माए बहनें क्या करती हैं किसी दूसरे काम में लग जाती हैं, तो दूध क्या होता है एकदम से बॉइल होके तो वो दूध बाहर आ जाता है, चूल्हा गंदा हो जाता है तो हमारा दूध जाया हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका दूध बाहर नहीं आएगा। ये जनाब इस तरह की आपने लकड़ी का चम्मच लेना है, लकड़ी का चम्मच याद रखिएगा। तो आप इसको क्या करना है जनाब, आप इसको इस तरह दूध के ऊपर रख देना है, इससे ये होगा कि आपका दूध जो है ना वो बाहर नहीं आएगा, जैसे वो इसके साथ टच होगा वो नीचे चला जाएगा। और ये देखें जी दूध में बॉयल आ रहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये मैंने ऊपर रख दी, और ये देखें इसको इससे ऊपर नहीं आएगा, ये देखें यहीं तक करेगा, जैसे टच करेगा इसको ये नीचे चला जाएगा। और ये देखें बॉयल भी आ रहा है, जैसे इस लकड़ी की चम्मच के साथ लगा है तो दूध हमारा नीचे जा रहा है, लेकिन पक रहा है दूध। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने जनाब अपने फ्लेम को फुल कर दिया है, यानी दूध को आजमाया है कि चले देखते हैं जाता है कि नहीं जाता, आपने अपने फ्लेम को भी मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम रख के आपने ये रखा, जिस तरह ये मेरा दूध उसको टच करके नीचे गया, ये देखें और कितना तेज बॉयल आ रहा है, ये देखें ये कम बॉयल नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसको करना है तो आपका दूध कभी भी आपका चूल्हा खराब नहीं होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा जनाब के हम लोगों ने इसको मोटी मलाई किस तरीके से लेनी है। वो पहले आपका टिप बताया था कि आपका दूध बर्तन से बाहर ना आए। अब देखें जिस तरह ये खड्डे बने हैं, दूध बॉयल हो रहा है अच्छे से, अब हमने क्या करना है कि इसको बॉयल होने देना है, ठीक है। जैसे ये जाग हमारी ऊपर आएगी हम लोगों ने थोड़ा उसको ब्लो करना है और फूक मारनी है उसको, ठीक है। और आपने ये नहीं करने का फ्लेम को कम कर देना है, उसके बाद इसमें जितनी भी फैट होगी वो सारी ऊपर आ जाएगी। आपने कम से कम उसके बाद इसको 5 से 7 मिनट मजीद पकाना है, ठीक है। और आगे मैं बाकी आपको साथ साथ बताऊंगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं अपनी आंच,
मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है, ये है मेरी जी आंच है, ये देखें, और ये जो दूध है, दूध नीचे है, ये जो इसकी मलाई है ना, जो ये जो आपको झाग नजर आ रही है, इसकी सारी फैट है ये ऊपर है। हमने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट, आप टाइम नोट कर लें, 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाएंगे इसी तरीके से, बिना हलाए बिना मिक्स किए हम लोगों ने इसी तरह इसको पकाना है। तो ये जनाब देखें जिस तरह ये दूध ये ऊपर आ गया, तो आपने क्या करना है इसको इस तरीके से करेंगे तो ये फिर नीचे चला जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, दूध की जितनी भी मलाई है जनाब वो सारी ऊपर आ जाएगी, और आप ये देख सकते हैं जनाब के ये एक लेयर बन गई नजर आ रही है आपको, इसी तरीके से सारी एक लेयर बन जाएगी। तो ले जनाब इसको 7 मिनट हो चुके हुए हैं, अभी फ्लेम करूंगा बंद, और इसको हम लोगों ने फ्लेम बंद कर दिया मैंने, और अभी मैं इसको उतारूंगा। तो हमने जनाब इसको रखना है रूम टेम्परेचर पे लेके आना है इसको, अभी साइड पे मैं इसको उतार दूंगा इस तरीके से। इसी तरह दूध उतारने के बाद आपने इसको कवर नहीं करना, अगर कवर करेंगे तो जनाब वो स्टीम से आपकी मलाई बैठ जाएगी, इसकी स्टीम निकलनी चाहिए। और ये जी मेरे पास एक जाली है जो मैं दूध के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने इसको इस तरीके से कवर कर देना ताकि अंदर से जो भाप है, जो इसकी स्टीम है, वो निकलती रहे, तो हमारी मलाई बनती रहे। अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो आप इसको कवर नहीं करना, इसको ऐसे खुला रखना है, अपने ऐसे खुला रखेंगे तो आपको उस तरह की मलाई मिलेगी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इसको रूम टेम्परेचर तक आते आते कम अज कम लगेंगे 20 से 25 मिनट, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका क्या करना है। और ये देखिए जनाब 25 मिनट हो चुके हुए हैं, और अभी से कितनी अच्छी मलाई इसके ऊपर आ चुकी हुई है। ये जनाब अभी मैं इसको उठा के फ्रिज में रखूंगा कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, जितना अच्छा ठंडा होगा और उतनी ही अच्छी मलाई बनेगी। तो मिलता हूँ आपको कम से कम 6 घंटों के बाद। तो ले जी अब चेक करते हैं मलाई, इसको 5 घंटे में हो चुके हुए थे फ्रिज में रखे हुए, अभी जनाब इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, दम से इसको नहीं उठाना, आपने छुरी की मदद से इसको साइडों से निकाल लेना था। और लें जी इस तरीके से इसको साइडें इसकी उतार लेते हैं, और लें जनाब, और ये देखिए ऊपर से कितनी मोटी मोटी मलाई है, ये देखें। और अब मैं इसको निकालूंगा, तो लें जनाब अब निकालते हैं इसको बड़े आराम से प्यार से। और ये देखें जनाब कितनी मोटी मोटी मलाई है, जबरदस्त। और ये देखें जनाब हमारी जबरदस्त किस्म की मलाई, और ये है जनाब, और ये देखें कितनी मोटी है, ये देखें इसकी तह देखें, जबरदस्त। देखें कितनी मोटी, मैं इसको प्लेट में निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको करीब करके। और बाकी मलाई भी निकालती है जनाब, क्या बात है जी। और ये देखें जी कितनी मोटी तय बनी इसकी, इसको भी रखती है जनाब प्लेट में। और ये देखें जी कितनी प्लेट भर के निकली है मलाई की, और ये देखें जनाब इसकी तय देखें, ये देखें कितनी मोटी तय आई है। तो ये है जनाब हमारी मलाई, बच्चों को जनाब आप ये 2-3 दिन की मलाई जमा करके बच्चों को मक्खन बना के दे, घी बना के दे, मजे मजे से खिलाएं और बच्चों को सेहतमंद और हेल्दी बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसी तरीके से मलाई बनाएंगे। अगर आपकी मलाई ऐसी बने तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इजाजत दें, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, खुदा हाफिज़।